दोस्तों, देश में कोरोना वैक्सीन देने की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। 16 जनवरी से पूरे देश में टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है। इसके साथ ही भारत के लिए बड़ी खबर ये भी है कि नए केसेस का आंकड़ा लगातार 20,000 से नीचे ही चल रहा है। पिछले 24 घंटों में केवल 16,000 नए मामले सामने आए हैं, वहीं सक्रिय केस भी 2 लाख के करीब हो चुके हैं। ये आंकड़ा लगातार तेजी से घट रहा है, जो पूरे देश के लिए सुकून देने वाला है। वहीं एक बड़ी खबर चीन से भी है, जो अब खुलेआम स्वीकार कर चुका है कि भारत की वैक्सीन उससे ही ज्यादा कारगर और कम कीमत वाली है। लिहाजा आपको कोरोना से जुड़ी राहत वाली खबरें बताते हैं। दुनिया में बढ़ी स्वदेशी कोरोना वैक्सीन की डिमांड। कोरोना महामारी के बीच दुनिया को इसकी वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में कोरोना वैक्सीन को लेकर कई देश भारत का रुख कर रहे हैं। भारत वैक्सीन के उत्पादन और आपूर्ति के लिए पूरी तरह तैयार है। ब्राजील, मोरक्को, सऊदी अरब, म्यांमार, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों ने भारत से वैक्सीन की आधिकारिक तौर पर मांग की है। कोरोना वैक्सीन के वितरण में भारत सरकार बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों को तवज्जो देगी। इस बाबत विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव का कहना है कि भारत शुरू से ही कोविड-19 महामारी के खिलाफ आम लड़ाई में वैश्विक प्रतिक्रिया में सबसे आगे रहा है। हम इस दिशा में सहयोग करने को अपने कर्तव्य के तौर लेते हैं। वहीं कोरोना वैक्सीन के लिए चल रही चर्चा के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भारत की भूमिका को दोहराया। उन्होंने कहा कि भारत में 2 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी जा चुकी है। पीएम ने कहा कि पहले भारत बाहर से पीपीई किट, मास्क, वेंटिलेटर और टेस्टिंग किट आयात करता था, लेकिन आज हमारा राष्ट्र आत्मनिर्भर है। नेपाल ने भारत को 12 मिलियन कोरोना वैक्सीन के डोज की मांग की है। वहीं भूटान ने पुणे के सिरम इंस्टीट्यूट में निर्मित की जा रही वैक्सीन की 1 मिलियन डोज की मांग की है। म्यांमार ने भी सिरम के साथ एक खरीद अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। उधर बांग्लादेश ने कोविशील्ड की 30 मिलियन डोज के लिए अनुरोध किया है। आपको बता दें कि सिर्फ एशियाई देश ही नहीं, बल्कि और कई देशों ने भारत से कोरोना वैक्सीन को लेकर संपर्क साधा है। ऐसे में भारत वैक्सीन का एक बड़ा आपूर्तिकर्ता बन सकता है। भारतीय वैक्सीन की तारीफ में चीन ने गढ़े कसीदे। भारत कोरोना वैक्सीन की रेस में तेजी से आगे बढ़ रहा है और वो चीन को तगड़ी मात दे रहा है। अब तक भारतीय वैक्सीन पर चीनी मीडिया और वैक्सीन एक्सपर्ट भड़ास निकालने में लगे थे, लेकिन जब चीन के पड़ोसी देश भी भारत की ही वैक्सीन पर भरोसा जताने लगे तो चीन की हेकड़ी हवा हो गई। अब बेमन से ही सही, लेकिन चीन भारतीय वैक्सीन की तारीफ करने लगा है। चीन ने कहा है कि भारत में बनी वैक्सीन की गुणवत्ता किसी भी मामले में कम नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि कुछ दिन पहले भारतीय वैक्सीन में खामी निकाल रहे ग्लोबल टाइम्स ने ही ये बात कही है। अखबार की रिपोर्ट में चीनी विशेषज्ञों ने एक स्वर में कहा कि भारत में बनी वैक्सीन चीनी टीकों से किसी मुकाबले में कम नहीं है और भारतीय टीके रिसर्च और प्रोडक्शन क्षमता में किसी भी स्तर पर कमतर नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत वैक्सीन के निर्यात की योजना बना रहा है और वैश्विक बाजार के लिए ये अच्छी खबर हो सकती है। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि दुनिया में भारत सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है और श्रम कीमतों में कमी और अच्छी सुविधाओं के चलते उनके टीकों की कीमत भी कम है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत जेनेरिक दवाओं के मामले में नंबर 1 की पोजीशन है और वो वैक्सीन बनाने में चीन से भी पीछे नहीं है। कोरोना वैक्सीन को लेकर ताबड़तोड़ रजिस्ट्रेशन। भारत में कोरोना वैक्सीन की तारीख की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा था कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 16 जनवरी महत्वपूर्ण दिन साबित होगा। इस दिन से वैक्सीनेशन शुरू होगा। हमारे साहसी डॉक्टरों, हेल्थ केयर वर्कर्स और सफाई कर्मचारियों समेत सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। सरकार ने कोविन यानी कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क का इस्तेमाल इस वैक्सीनेशन ड्राइव में करने वाली है। इसका इस्तेमाल वैक्सीन लगवाने वालों को ट्रैक करने में किया जाएगा। इस समय 80 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इस पर वैक्सीन के स्टॉक और स्टोरेज टेम्परेचर की रियल टाइम जानकारी भी मिलेगी। ऐप अब तक लॉन्च भी नहीं हुआ है। सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर अब तक 3 ड्राई रन किए हैं। इनमें से 2 तो पूरे देश में हुए हैं। इससे 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 4,895 साइट्स पर वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम को परखा गया। भारत में युद्ध स्तर पर जारी है वैक्सीनेशन की तैयारी। देश में 16 मई से कोरोना वैक्सीन का आगाज हो जाएगा। पीएम मोदी ने भी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से तैयारियों पर चर्चा कर ली है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से भारत में 2 वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के बाद मोदी सरकार और राज्य सरकारें भी फुल फॉर्म में हैं।
भारत में डीसीजीआई ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को अप्रूवल दिया है। पूरे देश में टीकाकरण अभियान की शुरुआत होने से पहले ड्राई रन हो चुका है। 16 जनवरी से जब टीकाकरण अभियान शुरू होगा तो उसमें केंद्र सरकार के 19 मंत्रालय शामिल होंगे। देश भर में कोविड वैक्सीन स्टोर करने के लिए हजारों कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं, करीब 50,000 आइसलाइन रेफ्रिजरेटर्स हैं। पुणे से हवाई जहाज से होंगी 80% वैक्सीन सप्लाई। देश में कोरोना वैक्सीन के लिए सीरम इंस्टीट्यूट प्लेन का इस्तेमाल करने वाली है। वैक्सीन की शीशियों का परिवहन कल तक शुरू होने की उम्मीद है। टीके के परिवहन के लिए मुंबई की कूल एक्स कोल्ड चेन वैक्सीन को पहले उड़ानों के माध्यम से ट्रांसफर करेगी। हालांकि अभी तक सीरम को वैक्सीन के लिए केंद्र सरकार की अनुमति का इंतजार है, लेकिन पूरी टीम फिलहाल स्टैंड बाय मोड पर है। देश में 80% वैक्सीन हवाई जहाज से की जाएगी और कुछ सड़क से भेजी जाएगी। 20 मिलियन खुराक पहले चरण के दौरान निकाली जानी है। सभी एयरलाइनों को आदेश दिया गया है कि शीशियों को लोड करने और उतारने के लिए विशेष टीम बनाई जाए। कंपनी की ओर से देश में जनवरी में 10 करोड़ डोज तैयार कर लिए जाने का दावा किया है। प्लेन से टीके सीधा टीका औषधि भंडार में लाया जाएगा, जहां से इनको जिलों के क्षेत्र टीका औषधि भंडार केंद्रों में भेजा जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में कोल्ड चेन के मानक प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि कोविशील्ड के रखरखाव के लिए 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान को मेंटेन किया जाएगा।